अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ अपनी अम्मी की स्पेशल रेसिपी कच्चे गोश्त की बिरयानी। ये देख रहे हैं आप, मैंने सारी चीज़ें डाल के साबुत गर्म मसाले सारे डाले हैं इसमें। इसको डाल के मैंने इसको अब मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी 2-3 घंटों के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा इसको गलने में। ये गल जाता है तो फिर मैं फिर आपको आगे बताती हूँ। ये चावल रखे मैंने बॉयल होने के लिए, पानी रखा है। ये देखें, ये गोश्त मैंने रेडी कर लिया है। जस्ट इसमें नमक, काली मिर्ची और साबुत गर्म मसाला था, और उसमें घी डाला है एक कप के करीब घी डाला है, उसको मैंने भून लिया है। नमक और काली मिर्ची है, इसमें लाल मिर्ची शामिल नहीं है, ठीक है। तो बहुत इसके बाद ये देखें, चावल मैंने डालने हैं, बॉयल कर रही हूँ। इसमें सिर्फ नमक डाला है मैंने, और इसमें अभी मैं ज़ीरा डालूँगी बस, और इसके अलावा कुछ नहीं डालना है। साबुत गर्म मसाले जितने भी थे वो मैंने सारे इसमें डाले हैं। इसको फुल बॉयल नहीं करना है, इसको हाफ डन करना है। ये बॉयल हो गए चावल, नीचे हैं, ऊपर गोश्त डाला है मैंने, ऊपर इसके फिर चावल में डाल दूंगी, तह वाली बिरयानी बनाऊंगी। ये इसके ख़ास मसाले हैं, जायफल और जावित्री, बस इतनी इतनी डालनी है। ये इतनी क्वान्टिटी में को पीस के ये ऊपर डाल देंगे, एक एक टी स्पून है ये दोनों, काली मिर्च और ये दोनों मसाले डाल के ऊपर दम पे लगा दूंगी। ये मैंने कलर डाला है दम पे, इसके बाद मैं इसे दम लगा दूंगी 10 मिनट के लिए, पहले तेज आंच पे देखें, उसके बाद फिर मैंने हल्की कर देनी आंच। मेरे लिए काली मिर्च की बिरयानी ज़बरदस्त सी तैयार है। इसको आप रायते के साथ, अपनी चटनी फेवरेट के साथ, किसी के साथ भी आप इसको इंजॉय कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये। एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।